निर्धारित विद्युत लोड से अधिक बिजली की खपत करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है। हर महीने 200 से ज्यादा उपभोक्ता इस कार्यवाही की चपेट में आ रहे हैं। अधिक बिजली जलाने वाले और सरकारी दस्तावेजों में बढ़ाकर लोड दर्ज नहीं करने वालों पर विभाग की तिरछी नजर है। अधिकारियों के मुताबिक ऐसे उपभोक्ताओं पर लगातार कार्यवाही की जा रही है जो दर्ज बिजली लोड से अधिक बिजली की खपत कर रहे हैं। अपने नगर संभाग जबलपुर में सभी सम्माननीय उपभोक्ताओं से मेरी अपील है कि यदि वो अपना इलेक्ट्रिक लोड घर में बढ़ाते हैं या फिर दुकान में बढ़ाते हैं तो बिजली विभाग में आकर या फिर स्मार्ट बिजली ऐप के माध्यम से वो अपने भार वृद्धि करवा सकते हैं। यदि ऐसा वो नहीं कराएंगे तो बिजली विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो इससे बचने के लिए सभी से ये मेरी विनम्र अपील है कि वो अपने भार को जितना उपयोग कर रहे हैं उतना वो स्वीकृत भी करा लें। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि लोड बढ़वाना एक सामान्य प्रक्रिया है, बिजली पर जाकर आसानी से आवेदन किया जा सकता है। अग्निवीर को लेकर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जबलपुर सहित आसपास के रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में घूम घूम कर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की। अग्निवीर योजना के विरोध के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। जबलपुर रेलवे स्टेशन समेत सिहोरा मदन महल स्टेशन में भी जीआरपी और आरपीएफ का बल तैनात रहा एवं स्टेशन परिसर और ट्रेनों में घूम घूम कर संदिग्धों पर पैनी नजर रखी गई। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेमा ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से जारी अलर्ट को देखते हुए जीआरपी एवं आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। इस आशंका के चलते कि उपद्रवियों द्वारा जबलपुर स्टेशन में किसी प्रकार का उपद्रव या तोड़फोड़ ना की जाए, इसके लिए जीआरपी और आरपीएफ का पर्याप्त बल यहाँ मौजूद था और आज सुबह से ही तड़के से ही ये व्यवस्था लागू की गई और इसके चलते कोई अप्रिय घटना जबलपुर स्टेशन में आज घटित नहीं हुई है और ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आज इस पूरे ड्यूटी के दौरान सभी ट्रेन बारीकी से चेक की गई, सभी प्लेटफॉर्म चेक किए गए, खासकर दिल्ली जाने वाले, क्योंकि दिल्ली में आयोजित प्रोटेस्ट को देखते हुए आज की ये चेकिंग की गई है और ऐसी कोई विशेष यहाँ पर परिस्थिति परिलक्षित नहीं हुई है। ये चेकिंग और ये व्यवस्था जारी रहेगी। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के द्वारा संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ की अहम बैठक संपन्न हुई जिसमें अग्निवीर योजना के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया और इसे लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की कड़ी निंदा भी की गई। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को अनुचित बताते हुए भाजपा भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने इस योजना का समर्थन किया है। सिविल लाइन क्षेत्र में आयोजित हुई इस बैठक में संगठन के सदस्यों ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए इसे समझने पर जोर दिया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अग्निवीर योजना को और भी आकर्षक बनाने के लिए दिए गए सुझाव भी सरकार के सामने पेश किए जाएंगे। अग्निपथ योजना जो लागू की गई है उसको लेकर के देश में कई जगह विरोध हो रहा है, कई जगह हिंसा हो रही है, कई जगह आगजनी हो रही है। आज हम जबलपुर के सभी पूर्व सैनिक इस विषय पर यहाँ विचार करने के लिए बैठे हैं कि अग्निपथ जो योजना लागू की गई है निश्चित रूप से वो देश के हित में है, नौजवानों के हित में है, मगर उनमें क्या कमियाँ रह गई हैं, लोगों में क्या भ्रम है, उस भ्रम को कैसे दूर किया जाए और उसमें क्या और अपेक्षित सुधार हैं जो किए जा सकते हैं जिससे ये योजना और आकर्षक बने, नौजवान इसके प्रति और आकर्षित हों और सब मिलकर के इस देश की रक्षा के लिए आगे आएं। भाजपा भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के सदस्यों ने युवाओं से अग्निवीर योजना का लाभ लेने की अपील की है। अग्निवीर को लेकर ज्ञापन देने और प्रदर्शन करने के पहले ही आधारताल पुलिस ने कुछ युवाओं को थाने में बुलवाकर समझाइश दी और बाद में उन्हें उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
अग्निवीर योजना का विरोध करने के पहले ही कुछ युवाओं का धारदार पुलिस ने पकड़कर नजरबंद कर दिया। यह आरोप लगाते हुए युवाओं के गुट ने बताया कि इस योजना के विरोध में उनके द्वारा एक मांग पत्र सौंपा जाना था और उसके लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसकी जानकारी पुलिस को लग गई और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। शांति प्रदर्शन करना चाहते थे हमारे जो कुछ युवा फौज में भर्ती होना चाहते हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। तो हम लोग ने एक लोगों को सदस्यों को इकट्ठा किया और शांति ज्ञापन देना चाहते थे, पर उससे पहले ही पुलिस को यानी कि इसकी बात पता चल गई और पुलिस ने हम लोग को करीबन 10 से 12 घंटे थाने पर बैठाया गया। और हम लोग जो चाहते हैं कि हम सरकार द्वारा जो TOD लागू की गई है, हम उसके विरुद्ध हैं और इसे वापस लिया जाए। हमारी सिर्फ चार मांगे हैं जो हमारा 2020 से लेके 21 तक, 21 से लेके 22 तक जो भर्तियां हुई हैं उसके हमारे पेपर कराए जाए, जो पेंडिंग रिजल्ट है एयरफोर्स का वो लाया जाए, जिनकी एयरफोर्स में ज्वाइनिंग बची है वो लाया जाए, जिससे युवाओं को जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसका फल तो मिला जाए। फिर अब टूर ऑफ ड्यूटी अभी लगा हुआ है और आप पुरानी चीज़ों में क्यों उसे लागू कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आप लोग को आवेदन मिला हुआ है राजनाथ सिंह जी को, उसे वो पढ़ें। उनसे में लिखा हुआ है कि हमें 23 से 25 साल तक के लिए छूट चाहिए, ना कि 21 से 22 साल के लिए, 21 से 23 साल के लिए। वहीं पुलिस का कहना है कि उन्होंने छात्रों को नजरबंद नहीं किया था, बल्कि दूसरे राज्यों में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें थाने बुलाकर समझाइश दी थी। फैक्ट्री की जमीन के हजरे से भागीदारों के नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांग रहे बालाघाट के लाल बर्रा तहसील कार्यालय में पदस्थ तहसीलदार के रीडर को जबलपुर EOW की टीम ने 35,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। EOW उप पुलिस अधीक्षक मंजीत सिंह ने बताया कि बालाघाट निवासी अरुण जेठवा ने शिकायत दी थी कि रीडर पेमेंद्र हरिनखेड़े के द्वारा फैक्ट्री की जमीन से उनके भागीदारों के नाम अलग करने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और बात 40,000 रुपए में तय हुई थी और पहली किश्त के रूप में 5,000 रुपए दिए एवं दूसरी किश्त 35,000 रुपए देने थे। अरुण जेठवा के द्वारा जैसे ही रिश्वत दी गई, उस दौरान रीडर को गिरफ्तार कर लिया गया। कि लाल बर्रा तहसील के बड़े बाबू श्री हरिन पेमेंद्र हरिनखेड़ा उनकी जमीन के नामांतरण के लिए उनकी जमीन से तीन अन्य भागीदारों का नाम हटाने के लिए 40,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिसमें से 5,000 रुपये को दिनांक 15 जून को ले चुके हैं। शेष 35,000 रुपये आज रिश्वत के रूप में वो ग्रहण कर रहे थे, जिसको लेते हुए उनको रंगे हाथ पकड़ा गया, उनके निवास स्थान में पकड़ा गया है। कार्रवाई जारी है। तेज हवाएं और बारिश गरीबों के आशियाने पर कहर बनकर टूट रही है। गौर क्षेत्र के ग्राम छतरपुर में भी एक मकान धराशायी होने की घटना सामने आई है, हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। तेज हवाओं और बारिश ने कुछ गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए हैं। गौर चौकी क्षेत्र के ग्राम छतरपुर में भी रानू बर्मन अशोक बर्मन का घर तेज हवाओं और बारिश की भेंट चढ़ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि मकान की दीवार और शेड गिरने की घटना में कोई घायल नहीं हुआ। वहीं मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने वाले रानू और अशोक बर्मन को अब सरकारी मदद की दरकार है। ये अचानक आंधी तूफान से हम क्या बोला कि घर अचानक से गिर गया, आंधी तूफान आया, हम घर 50 मीटर से दूरी में बच्चों को बचा के लेके गए हैं। मजदूरी कर करके बच्चों को पाला और उनको व्यवस्था बनाई उनके लिए। हर बरसात में बेघर हो चुके हैं, क्या करें अब आप ही बताइए। क्या चाहते हो आप? मतलब यही चाहते हैं कि उनके लिए सुविधा बनाए जाए, अगर बच्चों के बारे में अगर घर दो बस्तान में कहाँ रहेंगे आप बताओ ना। रविवार को कोरोना की मरीजों की संख्या में एकाएक वृद्धि देखी गई। 238 कोरोना सैंपलों की रिपोर्ट में से 7 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है और उन्हें मिलाकर जिले में एक्टिव केसों की संख्या 37 हो गई है। वहीं 7 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि 24 घंटे में एक भी मरीज की कोरोना से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना के मामले बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कोतवाली पुलिस ने फरार हवाला कारोबारी विपिन पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है। बताया जा रहा है कि विपिन कई सालों से हवाला कारोबार से जुड़ा है और उसका जाल कई जिलों में फैला हुआ है।
हवाला कारोबार से जुड़े मुख्य आरोपी विपिन पटेल को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल गुप्ता ने बताया कि पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने अग्रवाल मार्केट स्थित झांसी वाले ऑफिस में दबिश देकर नोट गिनने की मशीन के साथ अमित क्षत्रिय और शुभम पटेल को गिरफ्तार किया था और ऑफिस से 42,54,300 रुपए बरामद किए थे। वहीं विपिन पटेल फरार था, जिसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ की जा रही है, जिसमें अहम खुलासे हो सकते हैं। आरोपी विपिन पटेल जो मुख्य इसका कर्ता धर्ता था, विपिन पटेल पिता छन्नूलाल पटेल निवासी आशीर्वाद मार्केट का, 17 तारीख को इसको तलाश किया और 41A का नोटिस शामिल कराया गया है, पूछताछ की गई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है, नए तथ्य और भी इसमें मिलने की संभावना है, निवेश अभी चल रही है, इनकम टैक्स वाले भी इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। मौसम की आमद के साथ ही लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि शहरवासियों को भीषण गर्मी की मार से निजात मिल सकी है। जिले में अभी तक 108.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। मानसून शहर में प्रवेश कर चुका है और उसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज होने लगी है। रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की कमी आने के बाद अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जिसके बाद लोगों को गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है। वहीं अभी तक कुल बारिश 108.2 मिलीमीटर दर्ज हुई है। मौसम वैज्ञानिक संभाग के अनेक स्थानों पर बारिश होने के साथ ही बिजली गिरने की संभावना जता रहे हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।